है व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2020 की जो काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अभी जो है काउंसलिंग जो उसका जो राउंड जो चल रहा है वो अभी सेकंड राउंड चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा तो इसके अंतर्गत अभी तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकेंड राउंड तक उन्होंने अपनी सीट जो है अलॉटमेंट करवा ली है, यानी कि लगभग जो इंडिया के अंदर अपन बात करते हैं तो लगभग 9600 के आसपास जो है सीटें अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर MBBS की। उसमें से लगभग 6000 के लगभग, ये बिल्कुल 100% एक्योर जो है डाटा नहीं है, लेकिन लगभग इतने स्टूडेंट ने अपनी जो सीट फिक्स कर ली है। तो अब सोचने वाली बात है कि अभी तक कितनी सीटें खाली रह गई है, तो लगभग 3000 सीट जो है वो अभी तक भी खाली चल रही है। अब इन सीटों का जो अलॉटमेंट होगा बस राउंड थर्ड के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक राउंड थर्ड चलने वाला है, इसके बाद अपन कट ऑफ की बात करते हैं। जो जो सेकंड राउंड है उसकी कट ऑफ आप अपने सामने देख सकते हैं। जो कट ऑफ आई है वो जनरल की जो इतनी सीट है वहाँ तक उनको कट ऑफ मिल चुकी है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अपनी जो कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, और आप ऐसे ही फ्यूचर के आगे डॉक्टर बन के अपने देश की सेवा करें। और अगर यदि आप ऑल इन्फॉर्मेशन ऑल एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर प्रत्येक दिन अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।